हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अंकित सर, फ्रॉम आराध्य क्लासेस, सिटी एप अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर 5 है आपका, लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, उसका पार्ट 24 लेकर आए दोस्तों। पार्ट 24 में आज हम एग्जाम्पल नंबर 5.6 की बात करने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, उसकी बात करेंगे दोस्तों। ये एग्जाम्पल आप टेक्स्ट बुक लेके बैठिएगा प्लीज, है ना। एग्जाम्पल चलाने से पहले एक अच्छी बात कर देता हूं। मान लो एक फंडा फोकस ले लेता हूं, 6 kg का मास यहां पे, एक डोरी, एक स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, उसके दूसरे एंड पे सस्पेंड किया हुआ लटकाया हुआ है, ठीक है, पर एक एंड को एक रिजिड सपोर्ट से फिट किया हुआ है, ठीक है। अब आप बताइए दोस्तों, ये जो 6 kg लटका है उस पे तो नीचे की तरफ 6g लगेगा, हाँ सर, mg लगेगा ना, mg लगेगा। तो दोस्तों डोरी भी खींचेगी, डोरी भी, बस 6 kg लटका है, डोरी टाइट रहेगी या ढीली रहेगी? डोरी टाइट हो जाएगी सर। डोरी टाइट होगी मतलब कि उसके अपोज में टेंशन फोर्स क्रिएट होगा, टेंशन फोर्स क्रिएट होगा जो क्या करेगा, 6 kg को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, T=mg होगा ना, तभी दोस्तों 6 kg ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, वही बैठा रहेगा। तो 6 × g मतलब है 60 N, समझ रहे हो आप? क्लियर है बात, है ना। और दूसरा दोस्तों, ये जो टी ऊपर की डायरेक्शन में है तो उसके ऑपोजिट में भी टी रोटर ही होता है, ठीक है, तभी थोड़ी टाइट रहती है ना, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने टेंशन के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, पोटेंशियल का अलग से पूरा फंडा फोकस नहीं लिया है, जैसा मैंने नॉर्मल फोर्स का लिया था, आपको याद हो तो, ठीक है ना। तो हाँ, जी नीट के लेक्चर्स होंगे उसमें लेवल से टेंशन वाली बातें करेंगे, क्योंकि टेंशन में क्या होता है, स्ट्रिंग को पुली से लटका है, ये वो फलाना, इनका बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों टेंशन के। उतना सारा अभी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में चलाने जाएंगे तो आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा, ठीक है ना। जिन बच्चों को इंटरेस्ट होगी टेंशन का और कुछ सीखे, टेंशन लेने का नहीं रहे, वो स्ट्रिंग का टेंशन की बात कर रहा हूँ, हाँ। तो दोस्तों आप आराम से मेरे जी नीट के लेक्चर्स अटेंड करना, तो उसमें आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। चले जाइए, एग्जाम्पल 5.6 में ये बोलना चाह रहे हैं कि ये एक जो 2 मीटर लंबी स्प्रिंग है उसको रिजिड सपोर्ट से रखा है, उसके एंड पे 6 kg का मास लटका हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों चल रहे ये जो स्प्रिंग है उसके एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट पी पे, मिड पॉइंट मतलब यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर, दूरी 2 मीटर थी ना, 1 मीटर 1 मीटर एग्जैक्ट, एक फोर्स लगाता हूं, हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो यहां पे लगा है, मतलब उसका वर्क लाइन तो इधर ही है ना, 50 N का फोर्स लगाया है, तो दूरी के ऐसे ही रहेगा? नहीं सर, दूरी का कुछ सीन ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल सर, है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो दोस्तों सिंपल ही जूम 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 जूम, टेढ़ी होगी ना दूरी, टेढ़ी होगी, थीटा एंगल बना दिया, थीटा एंगल बना दिया। दोस्तों देखिए, मेरे स्टार्टिंग में दूरी एक ही होती है ना, जब दूरी एक पूरा सलग दूरी होता है ना, सलग, बीच में कोई गांठ नहीं होना चाहिए, कोई फोर्स नहीं लग सकती, तो दोस्तों नीचे तो 6g है, हर एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे टेंशन पी होता है, किसी भी पॉइंट पे टेंशन पी, टेंशन चेंज नहीं होगा जब तक उसमें कोई गांठ ना हो, और अभी एनसीईआरटी के लिए बोल रहा हूँ, जब तक उसमें कोई गांठ ना हो या तो बीच में कहीं पे फोर्स ना लगे, ठीक है। यहाँ पे फोर्स लगा, बीचों बीच फोर्स लगा दोस्तों, तो दूरी में टेंशन डिस्टर्ब हो गया, तो दूरी में टेंशन बदल गया। तो देखिए कैसे बदलता है, ये जो यहाँ पे फोर्स लगाया है हमने 50 N का, ठीक है, उसने क्या किया, देखो दूरी थीटा एंगल पे हो गई, हाँ टेढ़ी होगी ना दूरी, तो ऊपर ये टेंशन क्रिएट हुआ, तो सर ऑब्वियसली दूरी टाइट होती है ना, तो ये टेंशन यहाँ भी क्रिएट होता है, ठीक है, यहाँ से भी टाइट, यहाँ से भी खींचना, यहाँ से भी खींचना, मतलब टाइट रहती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं T1 टेंशन ले लेता हूँ, मैं टेंशन लेता हूँ दूरी का, टेंशन T1 ले लेता हूँ, तो ये जो फोर्स लगाया है उसके नीचे वाली दूरी के हिस्से में T2 फोर्स क्रिएट होगा, ऊपर की तरफ देखो तो T2 फोर्स क्रिएट होगा, है ना, हाँ किसी भी हिसाब से ले सकते हो, T2 फोर्स क्रिएट होगा, ठीक है। ये सीन होगा दोस्तों, अगली बार बीच में फोर्स लगा, इसलिए फोर्स नहीं लगा होता
पूरी दूरी होती तो उसमें की ही टेंशन होता है। ठीक है चला। अब दोस्तों पूरा सीन तैयार करने जा रहा हूं, ये 6 केजी का है, उसके नीचे एमजी तो फिक्स है। तो अब देख पा रहे हो दोस्तों जो 6 केजी है ना, 6 केजी वो उसकी जगह पे हिल नहीं जा रहा है, हिल नहीं पा रहा है। ये पूरा एक सिस्टम बन रहा है। देखो तो मैं पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा 6 केजी का। तो देखो ऊपर D2 ड्रॉ कर पाऊंगा मैं और नीचे MG। 6 केजी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, सो दैट इज व्हाई T2 इज इक्वल्स टू MG। M है 6 सहूलियत के लिए, इसको 10 ले लेते हैं तो T2 इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन। बराबर है। ओके सर ठीक। अब दोस्तों देखो जितना T2 ऊपर की तरफ है उतना ही नीचे की तरफ है, तो ये T2 का भी वैल्यू मैं 60 न्यूटन बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकते सर? बिल्कुल बोल सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको पूरा लॉजिक? ठीक है। अब देखो दोस्तों ये T1 के दो कॉम्पोनेंट्स बन गए, एक T1 cos थीटा बन गया, एक T1 sin थीटा बन गया इस पॉइंट के लिए, है ना? इस पॉइंट पे फोर्स लगाया मैंने। अब देखिए दोस्तों इस पॉइंट पे फोर्स लगाया, पॉइंट बैलेंस में है इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए, T1 sin थीटा इज इक्वल्स टू 50, ऑब्वियसली T1 sin थीटा इज इक्वल्स टू 50, है ना? हां, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है ना, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो T1 cos थीटा इज इक्वल्स टू T2, हां T2, ये पूरा का पूरा T2 जितना ही हो रहा है 60 न्यूटन। ये पूरा सिस्टम का एपीडी तो बना दिया, तो लास्ट में ये भूल जा दो, ये भूल जाते हो ये। अब बोलो T2 दिख रहा है ना तेरे को, T2 लेना है, T2 था 60, देते हुए मैंने करवाया तो आंसर लाया T2 का, तो T1 cos थीटा इज इक्वल्स टू 60 हो गया नीचे की तरफ 60। अब दोस्तों दोनों को मैं एक दूसरे से डिवाइड कर देता हूं, T1 1, सो tan थीटा बिकम्स 0.833। 5/6 है ना, देख लेना आपके हिसाब से आंसर में, प्लीज कैलकुलेशन में आप थोड़ा तगड़ा बनिए। तो थीटा कुछ 39°48' आ रहा है, मतलब अप्रोक्स 40° आ रहा है थीटा। 40° पे सूर्य ऐसा मुड़ जाएगा, बोल रहा है इतने इजी सी सवाल है दोस्तों, टेंशन नहीं है। और कोई इशू हो तो ऑब्वियसली आप मुझे बोल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, चल ठीक है ना। स्क्रीन शॉट ले लो, 1 2 जुपाक।